नमस्कार दोस्तों, जिनेश कट्टा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रमुख रिपोर्ट जो विभिन्न संस्था द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तो नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल पूछे गए हैं, इसके वजह से प्रमुख रिपोर्ट देखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक नोट है, हमने यहाँ इंग्लिश में लिया हुआ है। इसके लिए प्रमुख कारण यह है कि नंबर ऑफ टाइम्स ये जो रिपोर्ट पब्लिश होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होते हैं और उसका नाम भी इंग्लिश में दिया हुआ रहता है। इसकी वजह से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है हिंदी लैंग्वेज में। वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ यूज़ किया हुआ है। हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, बट ये वर्ड जो रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे और आपके लिए भी एक सलाह है कि आप वो इंग्लिश में ध्यान में रखिए। सबसे पहला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक दूसरा और एक प्रकाशन करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें इंडिया की रैंक है 63। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक है 63। तीसरा रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक के फ्रेंड्स तीन रिपोर्ट है। पहला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और तीसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहला रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। यूपीएससी ने इससे संबंधित ऑलरेडी सवाल पूछा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दो रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तीसरा देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रकाशित होने वाले रिपोर्ट। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। दूसरा है रिपोर्ट ऑन ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तीसरा है क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया। चौथा है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, अभी ट्रिपल स्टार करिए, इससे रिलेटेड नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके द्वारा प्रकाशित हुए वाले रिपोर्ट। पहला है एंगेजिंग टुमारो कंज्यूमर रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा रिपोर्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पांचवा रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। उसके बाद का रिपोर्ट है ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आउटलुक ऑन ग्लोबल एजेंडा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका शॉर्ट फॉर्म है FATF, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट कौन करता है पब्लिश? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड विद कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइक, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइक, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। उसके बाद है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट और पब्लिश करता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित होते हैं। पहला है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। उसके बाद है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये पब्लिश होता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नाम क्या है रिपोर्ट का? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक, साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और पब्लिश कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट और पब्लिश होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अनटाक, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और रिपोर्ट का नाम है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन
यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। उसके बाद है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। द ग्लोबल रिपोर्ट, द ग्लोबल रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ग्लोबल रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेस, रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेस। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। और रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेस। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट। पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। ट्रिपल स्टार करो फ्रेंड्स। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम, द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड इंटरपोल, यूएनईपी एंड इंटरपोल। द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम। फ्रेंड्स यह आपको हिंट है, एनवायरमेंटल से संबंधित यूएनईपी प्रमुख संस्था है और क्राइम से संबंधित जो इंटरनेशनल क्राइम होते हैं उससे संबंधित संस्था इंटरपोल। और एनवायरमेंटल क्राइम जो संबंधित है उससे ये दोनों ने टाइप किया है। और द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम ये रिपोर्ट वो पब्लिश करते हैं, यूएनईपी और इंटरपोल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इनके तीन रिपोर्ट है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, नाम क्या है इंस्टीट्यूट का? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और इनको रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। और पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। पब्लिश करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नाम क्या है रिपोर्ट के? एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। और संस्था कौन थी पब्लिश करने वाली? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसी प्रकार आज हमने प्रमुख रिपोर्ट देखे है जो विभिन्न संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही बताऊंगा, जहां न पहुंचा राशन वहां पहुंचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।